बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शेज़वान चिकन ग्रेवी की रेसिपी विद फ्राइड राइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे राइस की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं अंडे 2 अदद और इसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मैंने 1/4 टीस्पून ईच डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं और उनको अच्छी तरह फेर लिया है। साथ में 1/4 कप ऑयल गरम करके उसमें मैंने अंडा डाला है फिटा हुआ और इसको थोड़ा सा डाल के हल्के हाथों से मैंने इसको पकाया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ इसको ताकि ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर वाइट पेपर 1 टीस्पून के करीब और इसको डाल के हम थोड़ा सा पकाएंगे हार्डली 30 to 50 seconds के करीब ताकि एक अच्छा सा अरोमा आ जाए जो रेस्टोरेंट में होता है बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर मैं वेजीज ऐड कर रही हूँ, कैबेज है और कैरेट जिनको मैंने जूलियन कट किया हुआ था। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे 2-4 मिनट के करीब ताकि ये थोड़ी सी सौते हम इसको कर लें और ये थोड़ा सा नरम हो जाए सब्ज़ियाँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया था, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ऐड इसमें करूँगी ब्लैक पेपर जो कि मैंने 1/2 टीस्पून ऐड करी थी और इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे इतना कि थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी भुज जाएगी यानी कम हो जाएगी इसकी मिकदार। और अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी। सोया सॉस हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना हमारे फ्राइड राइस का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें सब्ज़ी थोड़ी सी कम हो गई है यानी बुझ गई है, तो उसका पानी रिड्यूस हो गया है। अब इसमें मैं कैप्सिकम और ग्रीन अनियन का सिर्फ ग्रीन पार्ट ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पर बॉइल्ड राइस जो कि मैंने 3 कप लिए थे और सॉल्ट और विनेगर के साथ मैंने उसको उबाल लिया था और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जो है अगर मिक्स करने के बाद फ़ौरन भी सर्व कर सकते हैं अगर आप क्रंची वेजिटेबल्स लाइक करते हैं, वरना आप दम पे इसको रख लें 10 मिनट के करीब तो आपके राइस तैयार हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं शेज़वान चिकन ग्रेवी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस ली है 300 ग्राम्स, इसमें मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून डाल दिया था। अब मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब और उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर यानी कॉर्न स्टार्च 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी। 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर के साथ इसको मिक्स करके अच्छे से रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं और तेल गर्म करने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे और गोल्डन फ्राई होने पर निकाल देंगे। यहाँ पर मसाले हैं जो चिकन के अंदर सब जाएंगे, सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और गोल लाल मिर्चें जो होती हैं वो 6 अदद, जिंजर गार्लिक चॉप्ड है मेरे पास 1 टेबलस्पून ईच, सोया सॉस है, चिली सॉस, विनेगर, टोमेटो केचप और साथ में सब्ज़ियाँ हैं जो कैप्सिकम है यानी शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन का सफ़ेद पार्ट। यहाँ पर ऑयल गरम करना है आपने 1/4 कप, जिंजर गार्लिक ऐड करना है, गोल लाल मिर्च ऐड करके थोड़ा सा फ्राई करना है, उस पर सारे स्पाइसेस डाल के हमने फ्राई करना है और आखिर में हम उस पर केचप डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर ली है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस 2 टेबलस्पून के करीब और इसके बाद मैं चिली सॉस ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। विनेगर चाहें तो आप अभी डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं, आखिर में भी डाल सकते हैं, मैं अभी डाल रही हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विनेगर 1 टेबलस्पून के करीब। अगर आप आखिर में अगर डालें तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा खट्टा तो नहीं हुआ, तो उस हिसाब से फिर आप ऐड में भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा सा बॉईल आ गया था, अब मैं 2 कप पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से मगर 2 कप से लीजिएगा ताकि इसका टेस्ट डेवलप रहे वरना नमक मिर्च कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं स्लरी तैयार कर रही थी, कॉर्न स्टार्च मैंने लिया था यानी कॉर्न फ्लोर 1 टेबलस्पून और उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड करके अच्छी सी स्लरी बना ली है। यहाँ पर अब जो मेरा सॉस था वो उसके अंदर मैं कैप्सिकम और ग्रीन अनियन का सिर्फ सफ़ेद पार्ट जो मैंने लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है जिनको मैंने क्यूब्स में और स्लाइस में काटा हुआ था। उसके बाद मैंने स्लरी ऐड करी है थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए
और इसको हम 2 to 5 मिनट्स पकाएंगे। सब्ज़ियों को हमने थोड़ा सा क्रंची ही रखना है, ज़्यादा सौगी नहीं करना। लीजिए, यहाँ पर अच्छी सी ज़बरदस्ती शेज़वान चिकन विद फ्राइड राइस तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।